वेलकम बैक टू टेस्ट बड। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एवोकाडो की रेसिपीज़, 3 रेसिपीज़ जो बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी होती हैं और बहुत ही ईजिली बन जाती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें बनाना है एवोकाडो का पराठा, जो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी रहता है। तो देखिए, इस तरीके से हमारा ये पका हुआ एवोकाडो है और इसको हम इस तरीके से कट लगा के और नाइफ़ हल्का सा सीड में अटका के इस तरीके से सीड निकाल देंगे और इसमें जितना भी एवोकाडो है हमारा वो निकाल के इसको अच्छे से मैश कर लेंगे फॉक की हेल्प से। ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, एवोकाडो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अच्छा रहता है हेल्थ के लिए। अगर किसी को डायबिटीज़ है तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है, जो प्रेगनेंट लेडीज़ होती हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा होता है। इसका टेस्ट इनिशियली आपको थोड़ा डिफरेंट लगेगा, बट जैसे जैसे आपकी टेस्ट बड में इसका टेस्ट आ जाएगा तो ये बहुत ही टेस्टी रहता है और बहुत ही हेल्दी रहता है। तो इस देखिए इस तरीके से हम बनाएंगे। और अगर आपके बच्चे एवोकाडो ऐसे नहीं लाइक करते हैं तो आप इस तरीके इस फॉर्म में आप बच्चों को एवोकाडो खिला सकते हैं। बहुत ही टेस्टी पराठे बनते हैं इसके और बहुत ही ईजिली बन जाते हैं। इस तरीके से आप एवोकाडो मैश कर लीजिए पहले। और देखिए, मैंने यहाँ पर 1 कप अपना व्हीट फ्लोर ले लिया है। नॉर्मल मसाले हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कसूरी मेथी को अच्छे से हाथ से रगड़ के डाल दिया है। यहाँ मैंने हल्की सी लाल मिर्च ऐड करी है। देन मैं हल्का सा नमक ऐड करूँगी, ज़्यादा नमक नहीं ऐड करना है। थोड़ी सी अजवाइन को मैं रगड़ के डालूँगी, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। देन मैं ऐड करूँगी हींग ऐड करूँगी, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इससे भी। और इसे मैंने 2 चम्मच के अराउंड अपना ऑलिव ऑयल डाल दिया है। और अब इसको अच्छे से मिलाते हुए मैं एक डो बना लूँगी। अगर मुझे पानी की ज़रूरत लगेगी तो मैं थोड़ा पानी भी ऐड कर लूँगी। वैसे इसमें जो इसका फ्लैश है वो अच्छा खासा सॉफ्ट होता है और उससे अच्छा सा डो हमारा सॉफ्ट डो बन जाएगा। अगर आपको प्लेन रोटी बनानी है तो आप इसमें नमक ऐड ना करें, जैसे कि आपको नमक से क्या होता है कि नमक डालने से अगर आपने नमक का आटा मला है तो तुरंत आपको यूज़ करना होगा, मतलब रख के करेंगे तो ये ब्लैक पड़ जाएगा, डार्क कलर हो जाता है। इसलिए अगर आप नमक डालेंगे तो जितना भी डो है आप इमीडिएटली उसको फिनिश कर दीजिए, अदरवाइज़ कुछ टाइम रख के करेंगे तो वो ब्लैक हो जाएगा। तो कोशिश कीजिए डो उतना ही बनाइए नमक का जितना आप एकदम से ख़त्म कर पाएँ। तो देखिए, मैंने 10-15 मिनट के बाद के लिए इसको डो को रख देना है जिससे कि अच्छे से सेट हो जाए। ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं पराठे, बहुत ही ईजिली बन जाते हैं और इसमें एवोकाडो का बच्चों को टेस्ट का नहीं पता चलता और हेल्थ के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। देखिए, 15 मिनट बाद मेरे को क्या करना है, मैंने इसको अच्छे से एक कपड़े से ढक के रख दिया है। और देखिए, यहाँ मैंने कॉर्न मील लिया है, मिक्स मील, उसकी जैसे जिसकी हेल्प से मैं पराठा एक अच्छा सा बेल लूँगी। यहाँ मैंने अच्छा सा एक ट्रायंगल शेप का पराठा बेल दिया है और उसको मैंने पैन गरम करके, एक तवा गरम करके और दोनों साइड से हल्का हल्का घी लगा के मैं सेक दूँगी। अगर आप चाहें तो यहाँ ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए, इस तरीके से हल्का हल्का प्रेस करके गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लीजिए। कॉर्नफ्लावर से जो होता है, ये कॉर्न मील जो होता है, इससे क्या होता है क्रंचीनेस आ जाती है पराठे में, तो ये बहुत खस्ता पराठे बनते हैं। तो देखिए, अच्छी खासी लेयरिंग का पराठा है, बहुत ही टेस्टी। आप इसको बटर से सर्व कीजिए, मलाई से सर्व कीजिए, प्लस किसी वेजीज से भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही हेल्दी रहता है। सेकेंड डिश है हमारी गुआकामोले रेसिपी, जो बहुत ही अमेजिंग होती है। ये मैक्सिकन रेसिपीज़ में भी बहुत यूज़ होता है, अमेरिकन रेसिपीज़ में भी बहुत यूज़ होता है। तो देखिए, ये बहुत ईजली बन जाता है और बहुत ही टेस्टी होता है। इसको आप रोटी से खा लीजिए, टॉर्टिला चिप्स से खा लीजिए, बहुत ही टेस्ट लगता है। तो देखिए, इसके लिए मैंने एवोकाडो ले लिया है। फिर से सेम प्रोसेस मेरे को रिपीट करनी है, इस तरीके से निकाल देना है। और ये देखिए, मेरा उतना पका वाला नहीं था तो इस तरीके से थोड़ा सा हार्डली निकला ये, तो इस तरीके से मैं नाइफ से कट लगा के और इसको ईजली निकाल लूँगी। बच्चों को एवोकाडो खिलाइए, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही हेल्दी रहता है बच्चों के लिए भी। आप 6 मंथ के बाद इसे स्टार्ट कर सकते हैं। ये गुआकामोले मैं इंडियन स्टाइल में बनाऊँगी। वैसे इसमें जनरली केवल गार्लिक और थोड़ा सा सॉल्ट और लेमन पड़ता है, वो भी बहुत टेस्टी लगता है। बट आप इस तरीके से चटनी की फॉर्म में गुआकामोले बना के देखिए, बहुत ही टेस्ट आता है। तो देखिए, इस तरीके से फॉर्क की हेल्प से मैं इसको अच्छे से मैश कर लूँगी फिर से। ये हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा होता है, आइज़ के लिए भी बहुत अच्छा होता है।
आप इसको गूगल करके देखिए, आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगी एवोकाडो से रिलेटेड, तो बहुत ही टेस्टी हेल्दी रहेगा। तो देखिए इस तरीके से मैंने अच्छे से मैश कर लिया है। अब इसमें मैंने हल्का सा सॉल्ट डाला है, सॉल्ट ज़्यादा नहीं डालेगा क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा सॉल्ट नहीं अच्छा लगता। तो यहाँ मैंने बारीक कटी हुई अनियन ले ली है, देन मैं इधर टमाटो ऐड करूँगी, प्लस यहाँ मैंने कोरिएंडर और प्लस एक ग्रीन चिली भी ऐड कर दी है हल्का सा स्पाइसी फ्लेवर देने के लिए, और अगर आप चाहें तो गार्लिक भी ऐड कर सकते हैं, मुझ पर नहीं था मैंने नहीं किया। और अब मैं हल्का सा इसमें एक नींबू का जूस डाल दूंगी, बाकी जूस पे डिपेंड करता है, एक नींबू पे डिपेंड करता है कितना जूस उसमें निकलता है। तो करीब 1.5 चम्मच के अराउंड आप इसमें जूस मिला दीजिए, बहुत ही टेस्टी अमेजिंग लगता है गुआकामोले। टॉर्टिला से आप खाइए, ब्रेड पे लगा के खाइए, प्लस आप रोटी से खाइए, बहुत ही टेस्टी आएगा लगेगा आपको। और ये हर किसी के लिए बहुत ही हेल्दी रहता है, और ये टॉर्टिला चिप्स से तो बहुत टेस्टी लगता है, आप डेली चाय के टाइम स्नैक्स के फॉर्म में भी इसको खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है, बच्चे इसको बहुत टेस्ट से खाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरी थर्ड रेसिपी है एवोकाडो सैलेड, जो बहुत ही टेस्टी हेल्दी रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखने में भी आपको लग रहा होगा बहुत ही टेस्टी और हेल्दी है ये, और बहुत क्विकली बन जाती है तीनों रेसिपीज। तो देखिए यहाँ मैंने लिया है सबसे पहले खीरा सैलेड के लिए, और मैं इसको छोटा छोटा पीस में कट कर लूँगी। मैंने इसका छिकल नहीं हटाया है, आपको अगर हटाना ऐसे लगा हुआ नहीं पसंद है तो आप निकाल लीजिए, प्लस इसका छिकल भी इसको अच्छे से वॉश कर लीजिए, बहुत हेल्दी रहता है। यहाँ देखिए मैंने टमाटो बड़ा वाला लिया है, अगर आपके पास बेबी टमाटो है या रोमा टमाटो है वो भी यूज़ कर सकते हैं, तो इसको भी अच्छे से चॉप कर लीजिए। आप इसको लंच के टाइम पे, अगर आप वेट लॉस करने की का सोच रहे हैं तो आप इसको लंच स्किप करके इसको लंच के टाइम पे खाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे मैंने ऑरेंज पेपर ले लिया है और इसको भी अच्छा सा मैं कट कर लूँगी। आप इसमें रेड येलो ऑरेंज कोई सा भी पेपर डाल सकते हैं, बहुत टेस्ट आता है। तो यहाँ पे मैंने हाफ अनियन भी ले लिया है और मैं इसको भी बारीक सा चॉप करके उसको ऐड कर दूँगी। ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, ये सैलेड बहुत ही टेस्टी होती है, बहुत ही अमेजिंग होती है। आप इस तरीके से एक बार सैलेड बना के देखिए, बहुत ही टेस्ट आएगा और हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी। कैलोरी इसमें बहुत कम होती है और हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो अगर आप वेट लॉस करना चाह रहे हैं तो इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, अपनी डेली की डाइट में इसको रखिएगा। और यहाँ देखिए मैंने एवोकाडो अपना ले लिया है, मेरा हल्का सा ये सॉफ्ट ज़्यादा हो गया है, तो इसका जो छिकल है वो ऐसे ही उतरा जा रहा है। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसको निकाल लिया है, और निकाल के इसको भी मैं हल्के छोटे छोटे पीस में कट कर लूँगी। अगर आपको खाली डायरेक्टली एवोकाडो नहीं खाया जाता है तो आप इस फॉर्म में खा के देखिए। यहाँ देखिए मैंने स्वीट कॉर्न ले लिया है और इसको मैंने बॉईल कर लिया है, और इसके सारे दाने मैं हटा लूँगी और अपनी सैलेड में ऐड कर दूँगी। इससे बहुत ही टेस्टी फ्लेवर आता है क्योंकि स्वीट होते हैं तो बहुत टेस्ट आता है। तो देखिए मैंने सारे अपने सारे जितने भी मैंने कटिंग करी थी सारी ऐड कर ली। अब इसमें मैंने इसमें डाल दिया है ब्लैक सॉल्ट, दैट मैं ऐड करूँगी ब्लैक पेपर, काली मिर्च हल्की सी क्रश करके, देन ऐड करूंगी मैं इसमें ऑर्गेनो। अगर आपके पास नहीं है मिक्स हर्ब या ऑर्गेनो, जनरली पिज़्ज़ा की सभी आइटम घर में रहते हैं, और यहाँ मैंने चिली फ्लेक्स भी ऐड कर दिया है। अगर आपको स्किप करना है आप ग्रीन चिली ऐड कर लीजिए, बाकी हल्का सा स्पाइसी फ्लेवर के लिए। यहाँ मैंने 2 चम्मच ऑलिव ऑयल यूज़ कर लिया है, और मैं इसको अच्छे से, और इसमें मैंने ऐड किया है 2 चम्मच के अराउंड लेमन जूस, तो उससे बहुत अच्छा खट्टा खट्टा फ्लेवर आ जाएगा।
तो देखिए इस तरीके से मैं मिक्स कर लूँगी। ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, ये सैलेड अमेजिंग होती है, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही हेल्दी रहती है। तो इस एवोकाडो की तीनों इन रेसिपीज़ को आप ट्राई करके देखिए। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। और देखिए मैंने यहाँ पर थोड़ा और लेमन जूस ऐड कर लिया है बॉल में सर्व करने के बाद, और मैं इसमें थोड़ा सा सिलेंट्रो सर्विंग के टाइम यूज़ करूँगी। धनिया बहुत अच्छा होता है स्किन के लिए। देखिए इसको खा के देखते हैं, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अमेजिंग बनी है ये सैलेड। फ्रेंड्स, इस तरीके से एवोकाडो की ये तीनों रेसिपीज़ ट्राई करके देखिए। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं आपके साथ आगे भी हेल्दी और टेस्टी रेसिपी शेयर करती रहूँ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक ऑन एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू।